तो भाई। मान लीजिए गर्मियों के मौसम में अगर लाइट चली जाती है तो हम लोगों को कितनी गर्मी लगती है और हम लोग इधर उधर पंखा खोजने लगते हैं। तो गाइज आज हमने यहाँ पर बनाया है ये चार्ज होने वाला पंखा, जो कि चार्ज करके हम इसे हवा के लिए इसका उपयोग करके हम हवा लगा सकते हैं। तो गाइज ये ऐसा पंखा है जिसे हम एक घंटा फुल चार्ज कर देते हैं तो इससे 5 घंटा हम इजली हवा लगा सकते हैं। आप लोग भी चाहे तो इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको आसान तरीका से बनाना सिखाते हैं। तो चलिए प्रोसेस की ओर चलते हैं और हमने कैसे कैसे बनाया, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। हेलो दोस्तों, इसके लिए आपको एक मोटर की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी मोटर ले सकते हो और इस प्रकार के पंखे की आवश्यकता पड़ती है और एक स्विच की आवश्यकता पड़ेगी और एक ये लिथियम बैटरी का, ये 3.5 वोल्ट का है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इतना चीज़ की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आप लोगों को देख लीजिए, ये मैंने थर्माकोल का एक बॉक्स बनाया हो और इसके अंदर के चलिए इसके अंदर क्या करना है, वो सिंपली बैटरी को इसके अंदर सेट करना है। चलिए इसको इस काट कर इसमें वो बैटरी को सेट करते हैं। ये एक तरह से स्टेन हो जाएगा, बैटरी का स्टेन, इसमें बैटरी लग जाएगा। तो चलिए इसको निकाल कर थर्माकोल को इससे इसमें बैटरी को लगाते हैं। पता भी नहीं चलेगा इसमें बैटरी का। तो चलिए इसको जल्दी निकालते हैं, उसके बाद उसमें बैटरी को लगाते हैं, देख सकते हैं आप। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत और निकालना बच गया है, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर स्विच के वायर को आपको बैटरी के वायर में जोड़ना है। देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को बैटरी के वायर में जोड़ देना है। आप लोग भी इसे घर पर बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को हवा बहुत अच्छा देगा फैन। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको इसमें जोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इस बैटरी को उसमें उस थर्माकोल के बॉक्स में लगाना है। तो मैंने यहाँ पर स्विच को जोड़ दिया और यहाँ से एक वायर को निकाल लिया हूँ इस बॉक्स से। तो यहाँ पर हमारा बैटरी देख सकते हैं फिट हो रहा है। अब हमारा बैटरी देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पे लग गया है। देखिए अब कैसे लगता है, देख सकते हैं आप, हमारा बैटरी अच्छी तरह से लग गया और लगता नहीं है इसमें बैटरी है। देखिए दोस्तों लग नहीं रहा है इसमें बैटरी है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। चलिए अब मैं इसको थोड़ा बहुत टाइप से चिपका देता हूँ, ये कटा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस ब्लैक कलर का टाइप लिया और चलिए इस पर चिपका देता हूँ उस कटा हुआ को। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फेवरेट लिया हुआ, ये आपको किसी भी शॉप पर 5 रुपया में मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फेवरेट डालकर इस वायर को यहाँ पर चिपका देता हूँ और सिंपली आपको मोटर को इस पर चिपका देना है। मोटर को चिपकाते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है, मोटर को थोड़ा सा आगे रहना है देना है, नहीं तो पंखा जो होता है वो इसमें थोड़ा बहुत सट जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोटर को थोड़ा आगे करके चिपका दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेन टाइप का मैंने कुछ लिया हूँ, देख सकते हैं एक कार्ड बोर्ड है जो जिसे कार्टून कहते हैं, उस पर मैंने इसको रख दिया और ये हम फेविकोल से चिपका दिया हूँ।
ये बहुत अच्छी तरह से चिपक गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कैसे फैन चलता है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। देरी किस बात की भाई, आपका भाई का चैनल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे मज़ेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने को मिलेगा और ख़तरनाक भी। तो यहाँ पर मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। तो यहाँ पर हमारा मोटर चलने लगा है, तो चलिए इसमें फैन लगाते हैं, उसके बाद मोटर को चलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और चिपका देता हूँ जिससे ये मोटर टूटे ना। यहाँ पर मैंने और चिपका दिया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने इस फैन को इस मोटर में लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है पंखा, क्या देखने में लग रहा है, देख सकते हैं आप इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये फैन, आप लोग भी इसे घर पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे चल रहा है, कितना हवा दे रहा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितना हवा देता है। देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितना हवा दे रहा है। आप लोग भी इसे घर पर जरूर से बनाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।